हेलो फ्रेंड्स, तो एक और नए क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। चलिए बात शुरू करें। लेट्स टू बी स्टार्ट नाउ। देखिए क्वेश्चन ये है आपके पास कि फिगर दे रखा है, और उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन तक सॉल्व किया हुआ है। तो चलिए फिगर दे रखा है आपके पास ये ए बी और सी डी, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक। अच्छा, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी लाइन पर, ठीक। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है कि एंगल जी ई डी यानी मतलब ये पूरा एंगल आपका 126 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ए जी ई फाइंड करिए, तो हम लोग मार्क कर लेते हैं ए जी ई, यानी मतलब ये हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। इसको हमने निशान लगा ले रहे हैं कि जो है हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। ए जी ई, ए जी ई ये हो गया। अब के बाद है जी ई एफ, तो जी ई एफ यानी मतलब ये सिर्फ इतना ही एंगल आपको फाइंड करना है। अच्छा, जी ई एफ हो गया। चलिए उसके बाद है एफ जी ई, तो एफ जी ई और ये एंगल भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, एक क्लू ये है आपके पास कि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एंगल यहाँ से और यहाँ तक 90 डिग्री है, ये और इधर भी ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये पूरे एंगल की जब हम बात करें, ये इतना एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यानी मतलब हम ये कहें कि एफ ई डी 90 डिग्री है और एफ ई सी ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ई एफ जो है परपेंडिकुलर है, और जब किसी लाइन पे कोई परपेंडिकुलर गिरता है, ठीक है, या परपेंडिकुलर तो उस पर लाइन पे हम बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि बोथ साइड, ठीक है, इधर और इधर, ठीक है, दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल पे ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है, 6th क्लास 8th क्लास में हमने पढ़ा था। तो चलिए, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि एंगल एफ ई डी ये हमारा है 90 डिग्री, और एंगल एफ ई सी ये भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। इतनी बात हमें पता है। अच्छा, एफ ई सी ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि जी ई डी ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक जो एंगल दिया था वो 126 डिग्री गिवन है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 126 डिग्री का आपके पास है, और इतना पार्टीशन आपको पता चल गया 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर इस पूरे में से ये 90 निकल जाए तो ये हिस्सा बचेगा, इसका मतलब आपको जी ई एफ पता चल जाएगा, ठीक है, ये पता चल जाएगा जी ई एफ, ठीक है। तो जी ई एफ पता करने के लिए यही करते हैं कि हम क्या करते हैं, एंगल जी ई डी माइनस, ठीक है, एंगल जी ई डी जो है उसमें से माइनस कर देते हैं एंगल एफ ई डी को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए, एंगल जी ई डी में से एफ ई डी को माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास बचा सिर्फ ये, ठीक है। और यही तो आपसे पूछा है कि एंगल जी ई एफ कितना है, एंगल जी ई एफ बचा हमारे पास, ठीक। तो ये कितना था, 126 डिग्री माइनस ये कितना था, 90 डिग्री इक्वल टू जी एफ कितना बचेगा, देखिए 6 में से 0 गया, 6 बचा, ठीक है। 12 में से 9 माइनस हुआ कितना बचा, 3। तो ये 36 डिग्री का, ठीक है, क्या आ गया, 36 डिग्री आ गया। तो एंगल जी ई एफ हमारे पास आ गया 36 डिग्री। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक कहा है कि ए जी ई, ए जी ई, अच्छा ए जी ई तो हम वैसे ही डायरेक्टली हम कह सकते हैं ए जी ई, हमने वो जो है सेकेंड नंबर पर जो दिया है वो निकाल लिया है पहले, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ए जी ई निकाल लीजिए, देखिए ये पूरा कितना, देखिए मैं छोटा सा फिगर में आपको समझाता हूँ, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गई, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्स लाइन, हम मैंने जो है इसका बेसिक में पढ़ाया था,
ये आपके अब कितना है 126 डिग्री है, तो ये कितना हुआ, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री। तो सिंपल से लिख देते हैं इसे, डायरेक्टली लिखेंगे एंगल जी ई डी इक्वल है, ठीक है, किसके, ए जी ई के, एंगल ए जी ई के, ठीक है, क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि हमें पहले दिया हुआ है कि ए बी और सी डी जो है, ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है, ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं, इसलिए एंगल ए जी ई कितना हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो दो फाइंड होगा, अब इसके बाद होगा एफ जी ई, तो एफ जी ई, ठीक है, एफ जी ई पता करने के लिए आप ये पार्टीशन पता कर लें, ये वाला पार्टीशन पता कर लें, ठीक है, या फिर दूसरा एक तरीका और है, या तो ये पता करिए, या फिर ये वाला एंगल पता है तो ये वाला एंगल मिलके क्या हो रहा है, ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं, तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, चलिए मैं लीनियर पेयर से निकालता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट है, देखिए एक आंसर आपका यहाँ पर है सॉल्यूशन, दूसरा ये पता चला हमें जो पूछा गया था, अब तीसरा देखते हैं, तो तीसरा दिया है ए जी ई, हमें पता करना है एफ जी ई, तो हम क्या करते हैं कि एंगल ए जी ई प्लस एंगल जो हमसे पूछा गया एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है, देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, लीनियर पेयर, ठीक है, 180 डिग्री में, ठीक है, ये लाइन जा रही है आपकी, ये लाइन और ये, ठीक है, देखिए ये हो रहा है, ठीक है, ये चीज आपको पता है, ये पता करनी, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, लीनियर पेयर बनना है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, यहीं पर इसका सॉल्यूशन लाते हैं आगे, तो ए जी ई हमारे पास कितना था 126 डिग्री प्लस, ये तो हमें नहीं पता, एफ जी एंगल एफ जी ई नहीं पता, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इस यहाँ पर ये डिग्री का साइन इस तरह से लगेगा और जीरो से बन गया था, ठीक है, 126 डिग्री को इधर ले जाएंगे, एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126, तो एंगल एफ जी ई इक्वल कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया, 4 बचा यहाँ पर, यहाँ रह गया था 7 में से 2 गया, तो 5 बचा, 54 डिग्री, ठीक। तो एक आपका लास्ट एंगल जो पता करना था वही हो गया, ठीक है, तो इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप देखते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू वेरी मच।